हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज मैंने आपको देखो एक ऐसा फाइल आया था, जेपीजी फाइल, उसका ना वो बोला स्टैम्प बनाना है, तो ये तो डीटीपी मेरे से संभव था नहीं, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको ना प्रिंट ले लिया लेजर पे, ब्लैक एंड वाइट में। अभी हम इसको ना रेड हैंडल प्री इंक स्टैम्प बनाने जा रहे हैं, ये देखिए। तो मैं सोचा आप लोगों को भी शेयर करूँ कैसा होता है ये। तो अपन आते हैं अभी मशीन पे, डायरेक्ट मैंने इसको चिपकाया है, ये देखिए, ये चिपकाया, मशीन ऑन किया और बड़ा स्टैम्प है, 100x70 है, सबसे बड़ा, देखिए पूरा फुल हो गया, जगह नहीं इस पर, मशीन पूरा देखिए भर गया। अभी इसके लिए हमको ना फोम लगेगा, इसको बराबर एक्रेलिक ले रहा है, ये भी छोटा पड़ रहा है दूसरा एक्रेलिक। अभी हमने ना बड़ा एक्रेलिक लिया क्योंकि इसको प्रेस करने के लिए छोटा पड़ता ना, तो इसको ऐसा रखा सेंटर में। अभी हमने इसको फुल प्रेस करना है इसको, क्योंकि साइज जो ऊपर का ये है ना उससे भी बड़ा है, ठीक है। अभी इसको फुल टाइट करना है आपको, ये 9 प्लेस देते हैं, ये देखिए इसमें चिपकाना है, इतनी बड़ी पट्टी है, बड़ी में ना बाकी सब लोकल नहीं ऐसा रहता है, डूरा का ना थोड़ा अच्छा आता है, ये देखिए डूरा कंपनी का है, तो इसका थोड़ा सेंटर में आता है, मारेंगे ना तो एग्जैक्ट आना चाहिए, नहीं तो पता चले एक साइड आता है एक साइड नहीं आता है, तो ये डूरा वाला ना सही है, ये देखिए 9 हो गया। अभी हम लोग उसको 3 और मारते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो फ्लैश थोड़ा ज़्यादा देना है हम लोग, नहीं तो अभी अब देखिए क्या बना रहे, ये कैसा है देख लीजिए आप, इसका बना रहे, थोड़ा सा डर तो है वेस्टेज का, फिर भी अपन ट्राई कर रहे हैं कैसा होता है, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अभी हम इसको देखते हैं, देखिए कैसा आ रहा है, इधर आइए देखिए ये कैसा बन रहा है, थोड़ा सा इसे निकाल देखने का, वाइट है पूरा, इधर देखने का दोनों साइड वाइट है, तो हम क्या करेंगे आपको बताए देना, ये थोड़ा इसको नीचे लेना है, ट्यूब के सामने लाना है, वापस इसको रखना है, वापस इसको भी रखना है, वापस फिटिंग करना है इसको, दो फ्लैश मारना है, उससे क्या होगा वो जो साइड में वाइट रह रहा है ना वो आपका वाइट खत्म हो जाएगा। ये देखिए अभी उन्होंने 2 फ्लैश मारे हैं, तो आपको दिखाते हैं कैसा आया है वो, ये देखिए 100% ब्लैक हुआ ना। अभी ये साइड का देखना है, ये साइड वाइट है, तो अभी ये साइड फिर से थोड़ा नीचे करके ट्यूब के सामने लाना है। अब इसमें जिनका 4 ट्यूब मशीन है उनको फायदा रहेगा, हमारा 2 ट्यूब हुए फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा नीचे लेने का, नहीं तो अगर वाइट में आप निकाल देंगे ना, ओहो एक मिनट मैंने वो नहीं डाला, ये देखिए ये नहीं डाला था मैंने, निकाल दिया क्योंकि बड़ा स्टैम्प है, बनेगा तो बड़ा प्रॉफिट है, जाएगा तो बड़ा लॉस है, तो ये सब स्टैम्प को थोड़ा सा ध्यान देके करना है। वापस इसको 2 फ्लैश के टाइम मैं आपको कैमरा बंद कर देता हूँ, तो इनका भी अगर ये देखिए ये हो गया, अभी हम देखते हैं इसको ओपन करके कैसा बना ये, तो समझेगा, ये देखिए कितना अच्छा स्टैम्प बना, ये देखिए देखा आपने, ये थंबनेल पे फोटो रखूंगा मैं इसका इंक डाल के, चूंकि इंक डालने में तो बहुत टाइम लगेगा, बड़ा स्टैम्प है, ठीक है, ओके फ्रेंड। ये देखिए कितना बेस्ट आया एकदम, उधर देखिए कैसे किसका बना है वो देख लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए,
और कुछ आपको अगर इसमें और नया कुछ आपको जानकारी है जो मुझे नहीं पता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा या आपको और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।